subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद है, जैसा कि आप सब जानते हैं और ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि दो दिन में क्या हुआ है, हमारे गदग ज़िले के अंदर नरगुंद इलाके में फिर से एक मुसलमान बच्चे को मार दिया गया है। चंद हिजड़े लोगों की साजिश के तहत उस नौजवान बच्चे को, जो सिर्फ महज 19 साल का, समीर शाहपुर इसकी पहचान है, सिर्फ 19 साल का ये नौजवान था, चंद संगी लोगों की हाथों से ये बच्चा मार दिया गया है। इस बच्चे का नाम समीर शाहपुर के नाम से पहचान हुई है, सिर्फ 19 साल का ये नौजवान था। शाम को अपने काम ख़त्म करके, अपना स्टूडियो बंद करके, अपने एक दोस्त के साथ बाइक से निकला वो घर जाने के लिए, अपने माँ बाप के पास जाने के लिए, घर पहुँचने के लिए वो बच्चा निकला। लेकिन उसे पता नहीं था कि रास्ते में 10 से 15 लोग हथियारों के साथ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ये वहाँ पे पहुँचा तो 10 से 15 लोगों ने इस पर हमला किया, चाकुओं से, हथियारों से हमला किया। जब तक उनको नहीं लगा कि ये लोग मर गए हैं, तब तक इन पर हमला करते रहे। उसके बाद फिर ये जो आधे मरे पड़े रहे तो इनको छोड़कर वो लोग भाग गए। फिर वहाँ के लोगों ने इनको फौरन अस्पतालों के अंदर दाखिल कर दिया गया, एडमिट किया गया। तो कल सुबह जो है, समीर शाहपुर जो 19 साल का नौजवान बच्चा था, उसकी डेथ हो गई, वो नहीं बच सका। और एक शमशीर नाम का जो उसके साथ में था लड़का, उसकी जान तो बच गई है, लेकिन वो अभी भी सीरियस कंडीशन में है, कुछ बता नहीं सकते। मेरे भाइयों, कब तक ऐसा चलता रहेगा यार? इसके खिलाफ आवाज उठाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि चंद गांव के अंदर, चंद नहीं है अभी, एक या दो गांव के अंदर सिर्फ इस मर्डर के खिलाफ, मर्डर की क्या बोलते हैं इसको, इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ एक या दो गांव से रैलियां निकली। देख सकते हैं, ये उस नौजवान समीर शाहपुर का जनाजा है। ये गमगीन मंजर है, शायद ही ये मंजर देखकर हमारे मुसलमानों का दिल थोड़ा पिघल जाए। जब तक आप लोग खामोश रहेंगे, तब तक ऐसे जनाजे निकलते रहेंगे। इससे पहले भी निकल चुके हैं, जब तक आप सोए रहेंगे तब तक ऐसे जनाजे निकलते ही रहेंगे। बाकी के शहर है, पूरा कर्नाटक के मुसलमान आराम से सोए हुए हैं। उन लोगों को इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है कि इस मर्डर से उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे भाइयों, इसी तरह अगर आप लोग खामोश बैठे रहेंगे तो आज ये बच्चा मरा है 19 साल का, कल हमारी बारी होगी, परसों आपकी बारी होगी, या आपके भाई की बारी आएगी।
इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे कल उन पर, और आज उनके ऊपर हालात है, कल ये हालात हम पे भी आने वाले हैं। हमें घर बैठ के इसका इंतजार करना है। मेरे भाइयों, हम लड़ तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं, अपने गांव से रैली निकाल सकते हैं। सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, अगर हमें आवाज नहीं उठाएंगे तो चंद दिन उनको अंदर रखा जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा। केस को मजबूत बनाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठेगी तो हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा, तो केस और मजबूत होगा, केस और स्ट्रांग होगा, और सख्त से सख्त उन हिजड़ों को, मैं तो हिजड़े हिजड़े ही कहूँगा, क्योंकि मर्द होते तो अकेला अकेले के साथ लड़ता, ये चंद दो को, सिर्फ दो को मारने के लिए 10-15 आदमी लोग मिलके उसको मारे हैं। यानी सुअर, ये सुअर की औलादे हैं, यानी क्योंकि सुअर जो झुंड में क्या है, शिकार करते हैं, और शेर कभी भी क्या है जी, अकेला जाता है शिकार करने के लिए। तो ये मुसलमान बच्चे शेर थे, ये सुअरों का झुंड ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से ये बच्चा मारा गया। तो मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मर्डर के खिलाफ आवाज़ उठाए, इस बच्चे के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए। किसी माँ ने अभी एक बेटा खोया है, किसी बहन ने एक भाई को खोया है, एक बाप ने अपने एक बेटे को खोया है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उन पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कम से कम इंसाफ दिलाने की कोशिश तो कर सकते हैं कि हर शहर से इस बच्चे के लिए रैलियां निकालें, आवाज़ निकालें, रास्तों पे आए, केस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलने के लिए हमें मजबूर करें हुकूमत को। भाई हमें बातें भी करना भी नहीं आता यार, जैसा जितना मुझसे बन पाता है वो मैं बोल देता हूँ। कुछ आप लोगों को अगर गलत लगा है तो माफ करना। फिर मिलेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.